હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું આરતીબેન બાબરિયા, વિષય હિન્દી, કક્ષા છઠ્ઠી, ઇકાઈ પહેલી, દયાલુ શિકારી. યહ એક ચિત્ર પાઠ હૈ. ઇસ ચિત્ર પાઠ મેં પશુઓ કે પ્રતિ માનવ કા કૈસા વ્યવહાર હોના ચાહિયે और संसार में भी सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है. तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र पर से हम कहानी बनाते जाएंगे. यहाँ पर पहला चित्र, एक मोटी ताजी हिरनी यहाँ पर दिख रही है और जंगल का चित्र भी दिखाई पड़ता है. दूसरे चित्र में यहाँ पर एक शिकारी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और एक हिरनी है वह दिखाई पड़ती है. वह शिकारी है, वह शिकार करने के लिए जंगल में आया है. तीसरे चित्र में शिकारी है, वह सींग लगाए हुए है और उसके निशाने में हिरनी है. सीख यानी कि निशाना, ताकना. चौथे चित्र में हिरनी है, वह गोली की आवाज से दूसरे हिरन है वह दौड़ने लगते हैं और जिस हिरनी के ऊपर शिकारी ने निशान ताका था उसे पैर में गोली लगती है. पांचवे चित्र में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि हिरनी है वह वहीं पर बैठ जाती है जहाँ पर उसका बच्चा है, उसने नन्हे से शावक को जन्म दिया था. छठे चित्र में शिकारी है, वह हिरनी के पास जाकर बैठ जाता है, उसे हिरनी के ऊपर बहुत ही दया आती है. सातवें चित्र में हमें दिखाई पड़ता है कि गांव के नजदीक एक अस्पताल है, हिरनी को शिकारी अस्पताल ले जाता है. वहां पर आठवें चित्र में हमें दिखाई पड़ता है कि वह शिकारी है, वह डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराकर फिर वापस हिरनी को जंगल में छोड़ने जा रहा है. शिकारी हिरनी को जंगल में उसके बच्चे के पास छोड़ आता है. फिर हिरनी और उसका शावक, शावक यानी कि उनका बच्चा, दोनों घास खाने लगते हैं. एक बहुत घना जंगल था. एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया. जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. हिरनी और शावक घूम रहे थे. शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है. गोली हिरनी की टांग में लगती है. हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है. छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है. शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है. उसने देखा कि हिरनी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है. शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ. शिकारी तुरंत ही हिरनी को अस्पताल ले गया. डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली. गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है. शिकारी बहुत खुश होता है. वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है. हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं. तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास देखेंगे. अभ्यास में पहले
चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा है। तो हमें चित्र में से जो कहानी बनाई है उसमें से हमें जवाब देने हैं। यहाँ पर कहा गया है पहला प्रश्न, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कहानी में देखा कि इस चित्र में हिरनी पशु की बात की गई है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो हमने बहुत सारे पशुओं को देखा है ना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हाथी, बिल्ली, ऊंट और गधा। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी, शियार, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है मित्रों, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्र पाठ में हमने कई शब्द देखे, जैसे कि शिकारी, दयालु, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें कई सारे शब्द हमें मिलते हैं, जैसे हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल, जैसे कई शब्द मिलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए वाक्य को, शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो चित्र पाठ में हमने कई शब्द देखे, हमने अभी शब्द सूची बनाई, उनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। हमें यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, उसमें से हमें कहानी प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी है वह बनानी है। तो यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो हमने देखा कि पहले चित्र में हिरनी है, वह दौड़ रही है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो कहानी के अंत में हमने देखा कि हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि हिरनी देखने में कैसी है? तो हमने देखा था ना कि हिरनी देखने में मोटी ताजी है। हमारा चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया या तो समीप गया। छठा प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो क्या देखा था बच्चों, कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो हमने कहानी में देखा कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल जो गांव के पास था वहां पर ले गया, क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत ही दुख हुआ। विद्यार्थी मित्रों, अमारी साथे जोड़ावा बदल खूब खूब आभार।